दोस्तों नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पहली बातें पर। मैं बात करने वाला हूं वही सुशांत सिंह राजपूत केस में उठी हवाओं के ऊपर। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक तरफ कंगना ने पूरा बेड़ा उठा लिया था कि बॉलीवुड के माफिया जो लोग हैं, यानी बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म को ज्यादा वैल्यू देते हैं उनकी तो मारनी है खुल के। भाई दबंग बॉय सलमान खान भले से बोलो, लेकिन भाई दबंग गर्ल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा आता है, जी हाँ कंगना रनावत। भाई वन मैन शो बंदी ने सीधा बोल दिया, भाई तुम मेरे को नहीं दोगे ना फर्क नहीं पड़ता है। सुनने में ये भी आया था कि वो जिसकी ब्रांड एम्बेसडर थी उनके जो ओनर है वो करण जौहर के अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने वो उनसे छीनवा लिया है, यानी अब वोग की जो ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत थी वो अब नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि भैया इन सब के बीच में सोनू निगम ने भी एक सुर लगाया और उन्होंने बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो तो ठीक है, लेकिन भैया म्यूजिक इंडस्ट्री में आप एंट्री करोगे तो सबसे बड़ा माफिया जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और उसमें सिर्फ दो ही लोग का चलता है और उस दो लोग को भी एंटरटेन जो कमांड है वो माफियाज करते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते है ना, शराफत की भाषा सबको समझ में नहीं आती। सच्चाई ये है कि इस समय भारत का एक एक म्यूजिशियन प्रताड़ित है, टॉर्चर्ड है, क्योंकि उसको वो नहीं करने दिया जा रहा जो वो करना चाहते, लेकिन माफिया है, माफिया तो माफिया की चाल चलेगा, उसको तो आदत है। इनडायरेक्टली हम सभी ने देखा था कि सोनू निगम ने धुन लगाया था और उसमें सलमान खान को इनडायरेक्टली टारगेट किया था और भूषण कुमार को धमकी दे डाली थी। भूषण कुमार अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू तू ही लायक है, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया समझा। तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो भाई, भाई मेरी एल्बम कर दो भाई, दीवाना कर दो भाई, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो भाई, स्मिता ठाकरे से मिलवा दो भाई, बाल ठाकरे से मिलवा दो भाई, अबू सलीम से बचा लो, याद है ना अबू सलीम से बचा दो, बचा लो मुझे भाई, अबू सलीम का लिया तेरा याद है कि नहीं सब चीजें, है ना। मैं तुझे कह रहा हूं मेरे मुंह मत लगना तू, बस मरीना कवर याद है ना, मरीना कवर याद है, वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है, माफिया इस तरह फंक्शन करता है, उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है। अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा और बहुत धूमधाम से डालूंगा समझा, मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से। इन सभी के बीच दोस्तों भूषण कुमार की धर्म पत्नी श्रीमती दिव्या कोसला जी एक बढ़िया 11 मिनट का वीडियो लेकर आई जिसका कमेंट बॉक्स ऑफ किया हुआ था। सोनू निगम जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टैलेंट को सही दिशा नहीं मिलती, तो सोनू जी आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलाकार है, आपने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है। तो भैया सुर में फिर एक सुर डाला सोनू निगम ने और उनकी वीडियो कर दी अपलोड अपने इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स ओपन रखा कि बोले जो कमेंट आप यहाँ नहीं देख पाए थे आप मेरे वाले पेज पे देख लो। उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए आए सुनील पाल जो कि कॉमेडियन है रतनूरा बनके, एग्जैक्टली तो उन्होंने भी सुर में सुर मिलाया, क्वेश्चन मार्क ये बना कि दिव्या घोसला आप जो भी कहना चाहती थी अपने घर के सेफ को लाने का क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी। रिसेंटली उन्होंने एक फोटो भी डाला जो फोटो उन्होंने अपने सेफ के साथ डाला जलेबी और दही खाते हुए, भैया आप दिखाना क्या चाहती हो, गरीबों की सुनती हो या आप मौका देती हो स्ट्रगलर को कि भैया तू गाना नहीं गा पाए तो कोई बात नहीं तू मेरे घर आ और मुझे दही जलेबी खिला, आप ये बताना चाहती हो, कोई बात नहीं। लेकिन इन सबके बीच मीका सिंह आ चुके हैं एक दिल में बजी गिटार वाला धुन लेके, जो सलमान खान है उन्हें बार बार मौका देते रहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने सलमान खान को फुल प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री मारी और उन्होंने कहा कि भूषण कुमार और सोनू निगम का झगड़ा जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा है, हम लोग उसमें इंटरफेयर ना करें क्योंकि ये लव हेट तो भूषण कुमार के टाइम से चला आता रहा है। मुझे समझ में नहीं आता मीका सिंह आप करना क्या चाहते हो, एक तरफ आप बोलते हो कि भैया म्यूजिक इंडस्ट्री में तकलीफ है, एक तरफ आप बोलते हो म्यूजिक इंडस्ट्री पे कोई तकलीफ नहीं है सबको मौका मिलता रहता है, देखो अरिजीत सिंह फेमस हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह फेमस हो गया था भैया लेकिन अगर वो सॉरी नहीं बोलता सलमान खान को तो करियर डूब जाता। और इसका सबूत
तो दोस्तों जो जिसके पक्ष में भी आप हैं, आप जिसके पक्ष में नहीं हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको क्या लगता है सच में बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है, सच में म्यूजिक इंडस्ट्री भी इन सब की शिकार है। अगर आप जिसके भी फैन हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, और मीका सिंह को अगर आप गाली भी देना चाहते हो, मीका सिंह मतलब किसको भी आप गाली वाली देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो प्यार से बिना किसी अपशब्द का प्रयोग किए आप अपना भावना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।